हेलो एवरीवन, आज के क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको शॉर्ट में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। सबसे पहले इसके नाम पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका नाम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों है। एक्चुअली इसके कंस्ट्रक्शन में परमानेंट मैग्नेट के साथ साथ मूविंग कॉइल यूज होता है, जिसके कारण इसका नाम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स पड़ा। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स के इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसका कंस्ट्रक्शन भी पढ़ाऊंगा। कंस्ट्रक्शन में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि दो परमानेंट मैग्नेट इसके कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, एक नॉर्थ पोल मैग्नेट होगा, दूसरा साउथ पोल मैग्नेट होगा, और दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक मूविंग कॉइल्स होता है जो कि कॉपर का होता है। मूविंग कॉइल्स इसलिए बोला जाता है कि सिंपल सा ही वो कॉइल रहेगा, बट ड्यूरिंग द वर्किंग उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण उसमें डिफ्लेक्शन होता है या मूवमेंट होता है, इसीलिए उस कॉइल का नाम मूविंग कॉइल्स है। ठीक है, तो नाम पे तो हम लोग डिस्कस कर लिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको विस्तार से जानने का जरूरत है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में बहुत सारा हमने पॉइंट लिखा है, पहले ऐसे ही आप लोग इसके बारे में जानिए, उसके बाद फिर पॉइंट वाइज हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स होता है ये बहुत ज़्यादा फेमस इंस्ट्रूमेंट्स है और बहुत वाइडली यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट्स है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इसके बारे में बस इतना समझिए कि ये अमीटर, वोल्टमीटर और ओम मीटर के अंदर यूज होता है। ठीक है, आप लोगों को पहले से पता है कि अमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या होता है और ओम मीटर क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि अमीटर जो होता है करेंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ये करेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, करेंट के एम्पलीट्यूड को मेजर करता है, कहीं भी किसी भी कंडक्टर से कितना करेंट फ्लो हो रहा है या किसी सर्किट से जितना भी करेंट का फ्लो होता है उस करेंट के एम्पलीट्यूड को मेजर करने के लिए अमीटर यूज होता है। वैसे ही जो वोल्टमीटर होता है वो वोल्टेज को मेजर करता है। तो ये सारे मेजरिंग डिवाइस हैं, ये सारे क्या है, मेजरिंग डिवाइस है, अमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, जो रेसिस्टेंस को मेजर करता है। हालांकि ओम मीटर का यहाँ पे हमने पिक्चर नहीं दिखाया है। ठीक है, तो इन सारे मेजरिंग डिवाइस के अंदर में एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट्स को पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। यहाँ पे ये जो पिक्चर है इसमें दिखाया जा रहा है कि ये कोई अमीटर है, इसको खोला जा रहा है। ठीक है, जब इसके पैनल को खोला जाएगा तो इसके अंदर में एक इंस्ट्रूमेंट्स होगा और वही इंस्ट्रूमेंट्स होगा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स। बस आप इतना समझिए कि अमीटर, वोल्टमीटर, ओममीटर के अंदर में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होता है। ठीक है, ये जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स है ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। आप लोग को पहले से पता होगा कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस क्या है, अगर आप मशीन वन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे आप लोग को बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है उस डिवाइस को बोला जाता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स है बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कोई ऐसा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वैसे इंस्ट्रूमेंट्स को या डिवाइस को इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं। तो पीएमएमसी जो है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, इस बात को याद रखना। और इसको यूज किया जाता है डीसी मेजरमेंट के लिए, या तो डीसी करंट या फिर डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है, एसी के लिए यूज नहीं होता है। इसके बाद एक और टॉपिक आप लोग को पढ़ाएंगे, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, एमआई इंस्ट्रूमेंट, उसको बताएंगे कि वो डीसी के साथ साथ एसी मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है। बट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो सिर्फ डीसी के मेजरमेंट के लिए यूज होता है, डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है पीएमएमसी के बारे में, इसको याद रखिएगा। और जैसे कि हमने आप लोग को बताया कि अमीटर, वोल्टमीटर, ओममीटर के अंदर में ये यूज होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो चलो दो तीन पॉइंट तो ऐसे ही हम बता दिए, अब थोड़ा सा इसके पॉइंट्स को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमने लिखा है पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। बोला जा रहा है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे पंखा है। ठीक है, आपके सर के ऊपर पंखा घूम रहा है, देखो ठंडा का दिन होगा तो नहीं घूम रहा होगा, गर्मी का दिन होगा तो घूम रहा होगा, वो पंखा काम कैसे करता है। ठीक है, उसके पूरे मैकेनिज्म को अगर थोड़ा बहुत समझते होगे तो इतना जरूर आप लोगों को समझ में आता होगा कि जब उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
आप कहोगे सर इलेक्ट्रिकल तो समझ में आता है कि इनपुट इलेक्ट्रिकल जा रहा है, बट मैकेनिकल क्या है? अरे भाई वो जो रोटेशन देता है ना, उसका पंखी जो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, वही मैकेनिकल एनर्जी है। वो रोटेशन को ही मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं, जैसे आपके आसपास कोई मोटर होगा, ठीक है, पानी खींचने वाला, या कोई भी मोटर कुछ भी काम करने वाला, वॉशिंग मशीन के अंदर में मोटर लगा रहता है, ग्राइंडर एंड मिक्सर के अंदर में मोटर रहता है, ठीक है। तो ये सारे मोटर भी तो वही काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक मेजरिंग डिवाइस है, करेंट और वोल्टेज को तो ये मेजर करता है, ये बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब वर्किंग पढ़ाएंगे तो वहां पे अपने आप ही ये बात आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, इट इज यूज टू मेजर डायरेक्ट करेंट एंड वोल्टेज। इसको यूज किया जाता है मेजर करने के लिए डायरेक्ट करेंट और वोल्टेज, डायरेक्ट करेंट और डायरेक्ट वोल्टेज, यानी कि डीसी करंट और डीसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इट इज हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल। ये बहुत एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है, यानी कि भरोसेमंद होता है। एक्यूरेट होने का मतलब है कि सही मेजरमेंट करेगा, एरर कम आएगा, ठीक है, स्पेशली फॉर डीसी मेजरमेंट। एंड इट इज एंड इज वाइडली यूज इन एनालॉग मीटर, और इसको एनालॉग मीटर में यूज किया जाता है। देखो दो तरह का मेजरिंग डिवाइस होता है, एक एनालॉग मेजरिंग डिवाइस होता है, एक डिजिटल मेजरिंग डिवाइस होता है। जो एनालॉग मेजरिंग डिवाइस होता है उसमें देखोगे ये पॉइंटर लगा रहता है, यहाँ पे ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर लगा रहता है और इस पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है, और इसके डिफ्लेक्शन से ही हम लोग करेंट के वैल्यू को मेजर करते हैं। जैसे मान लो ये कोई एमीटर है, ये देखोगे यहाँ से पहले तो इनिशियली ये जीरो पोजीशन पे रहा होगा, फिर ये डिफ्लेक्ट किया और डिफ्लेक्ट करके कहाँ पे आ गया, 35 पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 35, 30 और 40 के एग्जैक्ट बीच में है, यानी कि 30 और 40 के एग्जैक्ट बीच में 35 होता है, यानी कि 35 एम्पियर का ये करंट बता रहा है, 35 एम्पियर का नहीं बता रहा, मिली एम्पियर का, ठीक है। अमीटर भी अलग अलग रेंज के होते हैं, ए लिखा हुआ रहेगा अमीटर पे, और देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ मिली एम्पियर, कैपिटल ये बता रहा है, कैपिटल ए जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि ये जो अमीटर है ये अमीटर है, क्योंकि अमीटर और वोल्ट मीटर दिखने में एक ही जैसे होते हैं, दिखने में लुक वाइज एक ही तरह होते हैं, रणबीर कपूर और रणबीर सिंह की तरह, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है वो समझना है। वोल्ट मीटर में कैपिटल भी लिखा रहेगा और अमीटर में कैपिटल ए लिखा रहेगा, और ब्रैकेट में मिली एम्पियर लिखा हुआ है, यानी कि इसका जो रेंज है वो मिली एम्पियर में है, यानी कि 35 मिली एम्पियर के करंट को ये मेजर कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये 40 के ऊपर चला गया है, खैर जो भी है। तो इस तरह के जो डिवाइसेज होते हैं इसको एनालॉग डिवाइस बोला जाता है। और एक डिजिटल डिवाइस होता है जो डायरेक्ट एम्पलीट्यूड बताता है, ऐसे लिखा हुआ उसमें आता है, इतना आप लोग समझ रहे हो, आजकल डिजिटल वर्ल्ड में जीत रहे हो, ठीक है। 35 ऐसे लिखा हुआ रहता है, ये डिफ्लेक्शन पॉइंटर ये सब कुछ नहीं रहता, उसमें एक डिस्प्ले रहता और उस डिस्प्ले में 35 मिली एम्पियर लिख के आता। चलिए खैर समझ रहे हो आप लोग इसको। तो ये एनालॉग मेजरिंग डिवाइस के अंदर में पीएमएमसी यूज होता है, ठीक है, चाहे अमीटर हो या वोल्ट मीटर हो या ओम मीटर हो, कैसा होना चाहिए, तो वो एनालॉग मेजरिंग डिवाइस होना चाहिए। ए परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पीएमएमसी मीटर, ऑल्सो नोन एज डी आर्सोनोवल मीटर और गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसको डी आर्सोनोवल मीटर और गैल्वेनोमीटर के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे सिलेबस में गैल्वेनोमीटर के नाम से ये टॉपिक दिया रहता है, किसी किसी में पीएमएमसी, मोर और लेस सब एक ही चीज है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन को। कंस्ट्रक्शन आराम से समझिए, बहुत ही आसान है ये सब टॉपिक, मजा आता है, एक बार पढ़ लिए जीवन भर याद रहता है, ठीक है। बशर्ते कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए और मेरी तरह पढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक है। चलो अपना बड़ाई करना जरूरी है। देखो इसका कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, बहुत ही मस्त इसका कंस्ट्रक्शन रहता है, दम आसानी से एक बार में समझ आ जाता है, ठीक है। फिर वर्किंग पढ़ाएंगे तो उसके बाद तो आजीवन याद हो जाएगा। देखिए इसमें जैसे शुरू में हम लोग बात किए कि इसका नाम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो परमानेंट मैग्नेट इसलिए नाम यूज हुआ है क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, ठीक है, क्या होता है चुंबक देखे हो ना। तो दो चुंबक यूज होगा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल वाला,
ठीक है, बचपन में चुंबक चुंबक खेले हो या नहीं खेले हो, मेरे पास होगा कहीं पे चुंबक रखा हुआ है जिसमें कोई आयरन वाला कोई चीज उस पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर में मिल नहीं रहा, नहीं तो दिखाते आप लोगों को। खैर जो भी है, आप लोग चुंबक देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें दो चुंबक यूज होता है, यानी कि मैग्नेट यूज होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर एक कोर पार्ट होता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का एक कोर रहेगा इसके अंदर में। देखोगे ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये आपका कोर पार्ट है। ठीक है, ये किसका बना हुआ होता है, सॉफ्ट आयरन का, सिलिकन स्टील को सॉफ्ट आयरन बोला जाता है। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट होता है, जनरली ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है। थोड़ा देर पेशेंस रखो, अभी तो ये सिलिंड्रिकल नहीं दिखाया गया है, बस इतना समझो दिस वन इज योर कोर पार्ट या दिस वन इज कोर पार्ट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच इज मेड अप ऑफ। ठीक है, किसका बना हुआ है, तो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, सिलिकन स्टील को सॉफ्ट आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, इसको हम लोग कोर बोलते हैं, COR, कोर बोल दिए, क्लियर है। अब इसी कोर के ऊपर में एक फ्रेम लगा हुआ रहता है, और वो जो फ्रेम रहता है वो एल्युमिनियम का रहता है। देखिए इसी के ऊपर में ये एल्युमिनियम फ्रेम रहता है, ठीक है, कहीं लिखा हुआ है कि नहीं, चलो नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं। ये देखो, ये इसके ऊपर में ये एक फ्रेम चिपका हुआ रहता है, ठीक है, फ्रेम, और इस फ्रेम के ऊपर में वायल बना हुआ रहता है, कॉपर वायर को ऐसे गोल गोल लपटा हुआ रहता है। देखिए यही है मूविंग कॉइल, ठीक है, यहाँ पे एक दो राउंड दिखा दो, ठीक है, एक दो राउंड दिखा दो, तीन चार राउंड दिखा दो, जितना राउंड दिखाना है दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं, मूविंग कॉइल। गड़बड़ हो गया ना, नीचे एक फिगर छिपा के रखे थे, खैर कोई बात नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं मूविंग कॉइल। क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल। तो नाम में इसका जो दो वर्ड यूज हुआ था, परमानेंट मैग्नेट और मूविंग कॉइल, वो यही कहानी है। कोर है, उसके ऊपर में फ्रेम लगा हुआ है ताकि जो आपका वाइंडिंग है कॉपर वाइंडिंग वो सही जगह पे फिक्स रहे। फ्रेम लगा रहेगा, फ्रेम पे कोई चीज लपटा जाता है या बांधा जाता है तो वो स्टेबल रहता है। तो एल्युमिनियम का फ्रेम रहता है, कोर तो सिलिकन आयरन का हो गया, यानी कि सॉफ्ट आयरन का हो गया, सिलिकन स्टील का, सॉरी सिलिकन स्टील का कोर हो गया, उसके ऊपर से फ्रेम हो गया, और फ्रेम के ऊपर में कॉपर वायर का वाइंडिंग किया रहता है, इसी को मूविंग कॉइल बोलते हैं। आगे हम बताने वाले हैं कि ड्यूरिंग द वर्किंग ये क्या करता है, मूव करता है। और देखो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है स्पिंडल पे होता है, एक रॉड लगा हुआ रहता है, इसी रॉड के ऊपर में ये कोर, ये क्वाइल वगैरह सब है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं, स्पिंडल बोला जाता है। ठीक है, ये रॉड जो है ना स्पिंडल, और स्पिंडल के नीचे ज्वेल बैरिंग लगा हुआ रहता है। ठीक है, ज्वेल बैरिंग का अलग से कहानी बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये देखोगे पाइवोट एंड ज्वेल बैरिंग लगा रहता है, ये जो टॉप में है ना, इसी को पाइवोट एंड ज्वेल बैरिंग बोला जाता है। एक्चुअली क्या है, ये रॉड है जो स्पिंडल, ये कहाँ पे स्टेबल रहेगा, ऐसे हवा में इस पेन को एकदम इसी पेन की तरह रहता है, बीच में कोर और क्वाइल लगा दिया गया है, अब ये हवा में तो खड़ा रहेगा नहीं, तो इसको सपोर्ट चाहिए, ऊपर में और नीचे में, टॉप में और बॉटम में सपोर्ट चाहिए। तो ये जो आयरन का टुकड़ा है या रॉड जो है जिसको स्पिंडल बोल रहे हैं, थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे बोर्ड पे रहोगे, इसको पाइवोट ज्वेल बैरिंग में अरेंज किया रहता है। देखिए इसका ऐसा कंस्ट्रक्शन है, इसी को पाइवोट ज्वेल बैरिंग बोला जाता है, और इस पाइवोट ज्वेल बैरिंग में देखोगे खांचा बना हुआ रहता है। बैरिंग जो होता है ना, फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसे ही यूज किया जाता है। इसके बॉटम में भी यही कहानी है, देखो बॉटम में भी यही स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है जो कि बहुत कम फ्रिक्शन उत्पन्न करके इसको देता है। ये जो पाइवोट ज्वेल बैरिंग है, इसमें खांचा बना रहता है, इसी में ये स्पिंडल है, यही क्या है, स्पिंडल है, और ये स्पिंडल दोनों तरफ टॉप में और बॉटम में किससे, पाइवोट ज्वेल बैरिंग के बीच में अरेंज रहता है। अब देखिए ये जो स्पिंडल है, इसी स्पिंडल से, ठीक है, एक पॉइंटर हमारा लगा हुआ है, देखिए ये पॉइंटर है, ये इसी से अटैच है, स्पिंडल से ही हमारा अटैच है, स्पिंडल एक रॉड है, इसी से देखिए पॉइंटर लगा हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में तो फिगर अलग रहता है, बट आप अभी इतना से काम चलाइए, और यहाँ पे मिरर,
स्केल लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है और ये आपका स्केल वाला पार्ट हो गया। ये पॉइंटर जो है इसी पे डिफ्लेक्ट करता है, ऐसे तो पॉइंटर ऐसा रहता है, ठीक है, अभी जस्ट हमने दिखाया आप लोगों को, पॉइंटर तो ये ऐसे रहता है ना, तो ये स्केल हो गया और इसी पे पॉइंटर रहता है, लेकिन वहां पे फिगर में दिखाने के लिए वैसे ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम्स में अगर ये सब लिखने के लिए आएगा तो ये फिगर जरूर बनाना है और ऐसे ही सारे चीजों को दिखाना है। बस एक चीज यहाँ पे छूट गया है, इसको हम लोग वेट बैलेंस बोलते हैं, वेट बैलेंस। और यहाँ पे देखो ये एक छोटा हुआ है, दो चीज, ये जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर का आगे वाला हिस्सा काफी लंबा होता है, ये ऐसे लगा हुआ, तो ये ऐसे झुक भी सकता है, तो इसके वेट को बैलेंस करने के लिए पीछे थोड़ा सा वेट बढ़ा दिया जाता है, यहाँ पे वेट दे दिया जाता है ताकि ये स्ट्रेट रहे और जो भी डिफ्लेक्शन करना है अपना डिफ्लेक्शन करे, लेकिन ऐसे बेंड नहीं हो, तो ये वेट बैलेंस के लिए। ऊपर में एक यहाँ पे, ठीक है, स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसको हेयर स्प्रिंग बोला जाता है, एकदम बहुत ही पतला रहता है ये स्प्रिंग, इतना महीन तार का बना हुआ रहता है, ऊपर में भी और नीचे में भी यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ये स्प्रिंग एक्चुअली में ऐसा रहता है। अभी हम एक्चुअल स्प्रिंग दिखाने वाले हैं, ये जो फिगर बनाना है आपको कलम कॉपी पे अपने नोटबुक में उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज हमने एक्सप्लेन किया, चलो अब इसको मिटाते हैं और जो फिगर में हर एक चीज दिया हुआ है इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कोर है, कोर के ऊपर में ये फ्रेम है, देखो कोर लिखा हुआ है, क्वाइल एंड फॉर्मर, इसी के ऊपर में फॉर्मर होगा, फॉर्मर को फ्रेम बोलते हैं और उसी के ऊपर में क्वाइल होगा। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल दो परमानेंट मैग्नेट हो गया। यहाँ पे नीचे में बोला गया है कि पाइवेट और ज्वेल बेयरिंग है, ये आपका स्पिंडल है, नहीं लिखा हुआ है, चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे, यही स्पिंडल है, ठीक है, रॉड रहता है उसी को स्पिंडल बोला जाता है। ये आपका वेट बैलेंस हो गया और ये पॉइंटर हो गया, यहाँ तक गया है, यही देखो पॉइंटर लिखा हुआ, पॉइंटर स्केल पे मूव करता है, ये स्केल हो गया, नीचे मिरर लगा हुआ है ताकि पैरलेक्स एरर जो होता है, आप लोग को पढ़ा चुके हैं टाइप्स ऑफ एरर, तो पैरलेक्स एरर जो होता है उसको कम करने के लिए मिरर रखा जाता है ताकि एक्यूरेसी हो। और यहाँ पे ऊपर में स्प्रिंग लगा हुआ है और टॉप में भी पाइवट एंड ज्वेल बेयरिंग है, ठीक है। इस फिगर के साथ साथ देखो एक फिगर यहाँ पे हम छिपा के रखे थे, ठीक है, ये ऊपर वाला फिगर इसी इंस्ट्रूमेंट्स का है, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी फिगर आप लोग को बनाना होता है, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा बट बना लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कहोगे सर आप दोनों बात बोल रहे हैं, हाँ हम दो तरह के बच्चों के लिए बोल रहे हैं, आप लोग में से एक ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ा सा कम मेहनत करना होता है, एक ऐसे भी स्टूडेंट हैं आप लोग में से जिनको ज्यादा भी मेहनत करना है, उनको मेहनत करने से परहेज नहीं है। तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है इसको। और ये बीच में आपका ये कोर का अरेंजमेंट है, ये कोर है और यहाँ पे देखोगे ऐसे बना हुआ है स्प्रिंग, ये वाला स्प्रिंग, क्लियर, और यहाँ से ये पॉइंटर लगा हुआ है और ये इसका स्केल वाला पार्ट है, ठीक। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में देखते हैं, हम बहुत साल कॉपी चेक किए हैं, स्पेशली बीटेक का कॉपी बहुत साल चेक किए हैं, तो हमको पता रहता है कौन सा कैसे बच्चे लिखते हैं। कुछ बच्चे दोनों फिगर बना देते हैं, कुछ एक भी बनाते हैं, हम लोग नंबर दे देते हैं, बट फिगर होना चाहिए। अब ये नहीं कि ये भी नहीं बनाए, ये भी नहीं, खाली थ्योरी लिख दिए, तो उस केस में मार्क्स काट लिया जाता है, ठीक है, मार्क्स काट लिया जाता है, यही अरेंजमेंट है। अब देखो एक्चुअल में जो मेजरिंग डिवाइस होता है, ये जो PMMC होता है, इसका जो परमानेंट मैग्नेट होता है, ये ऐसे राउंड शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है, यहाँ से आधा कट कर दिया जाए तो इधर नॉर्थ पोल और ये वाला हिस्सा साउथ पोल, इसी के अंदर में देखो सर्कुलर शेप का इसका ये कोर है, आयरन कोर लिखा हुआ है, और इसी कोर के ऊपर में देखोगे ऐसे, ये देखोगे ऐसे गया हुआ तार, इसी के ऊपर में ऐसे क्वाइल बना हुआ रहता है, मूविंग क्वाइल है, ये कॉपर का रहता है, इसी के ऊपर में तार ऐसे लपटा हुआ रहता है, किसके, ये आयरन कोर के ऊपर, क्लियर है, एक फ्रेम होगा, उसी फ्रेम के ऊपर में ये कॉपर वायर लिपटा हुआ रहता है। अब देखोगे ये स्पिंडल हो गया और स्पिंडल के ऊपर में ऐसे स्प्रिंग लिपटा हुआ रहता है, नीचे में भी स्प्रिंग है, देख सकते हैं आप लोग, और ये जो है यही पाइवट ज्वेल बेयरिंग है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बस इतना ही है। ये पॉइंटर हो गया इसका और ये इसका स्केल हो गया, इसी स्केल पे ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, इधर जीरो रीडिंग होता है, इधर मैक्सिमम रीडिंग होता है। आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, अगर चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, ठीक है,
सारे पार्ट्स का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, फुर्सत मिले कभी तो इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आने वाला कोई बात नहीं है, हमारे पास तो वीडियो भी है, हम एनिमेटेड वीडियो से इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, मजा आ जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अरे यार ये आया तो हाँ, स्क्रीन पे ब्लरिंग हो गया, छोड़ो ब्लर हो जा रहा है इस फिगर को, यही फिगर है। चलिए अब जो जो पार्ट्स के बारे में हमने आप लोग को पढ़ाया बताया, अब उसके बारे में एक एक दो लाइन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, एक एक दो लाइन लिखेंगे, ज्यादा हम कंस्ट्रक्शन को क्रिटिकल नहीं किए हैं। बुक्स में बहुत ज्यादा चीज दिया रहता है, टाइम मिले एक साहनी का बुक खरीद लीजिए, आप लोग बुक पढ़िए। अब बुक का हर एक लाइन तो नहीं लिखा सकते हैं, बुक का हर एक लाइन लिखाएंगे तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा 5-6 पेज का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, काम भर चीज कंस्ट्रक्शन का जानेंगे, लेकिन हर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का उसको जरूर जानेंगे। चलिए, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनावट, यानी कि इस मशीन का बनावट कैसा है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज हुए हैं, हर एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज कंस्ट्रक्टेड बाई फॉलोइंग पार्ट्स, बोला जा रहा है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है कंस्ट्रक्टेड होता है फॉलोइंग पार्ट से, जिसमें पहला पार्ट होता है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट, दो तरह का मैग्नेट यूज होता है, एक परमानेंट होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। आगे के क्लासेज में कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, आई होप कि आप लोगों को पहले से पता होगा, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को तो ये सब ऐसे ही चलते फिरते याद रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट अच्छा जानते हैं, मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट ओब्वियसली जानते हैं, इतना सारा मशीन वगैरह में यही सब तो हम लोग पढ़ते हैं। आगे चल के इसका जब वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे तो बोलेंगे कि डीसी मोटर का अगर वर्किंग प्रिंसिपल याद है, किसका, डीसी मोटर का वर्किंग है याद है, तो वही इसका भी वर्किंग होगा। अब कहोगे सर मोटर, यस मोटर कौन सा, डीसी मोटर समझ गए ना, इंजीनियरिंग उसमें भी अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी मेरा वीडियो देखते हैं, खैर माइंड नहीं कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चे आप लोग का सब्जेक्ट जितना भी है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम बार बार बोलते रहते हैं बेसिक, जिस बच्चे ने मेहनत कर लिया बेसिक पे, उसके लिए हर एक इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट दम बउआ जैसा है, बहुत ईजी है, ठीक है। जो बच्चे बेसिक पे मेहनत नहीं करते, जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं होता, उन्हीं को सब्जेक्ट टफ लगता है, नहीं तो इलेक्ट्रिकल के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब ईजी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। चलिए परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। ए स्ट्रांग परमानेंट मैग्नेट यूजुअली मेड अप ऑफ एल्किनो, जो परमानेंट मैग्नेट यूज होता है उसका जो पदार्थ है उसको एल्किनो बोलते हैं। एल्किनो एक्चुअली एलॉय होता है, एल्युमिनियम निकेल कोबाल्ट तीनों को मिला के बनाया जाता है एल्किनो, जो कि स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट होता है। स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट वो होता है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, जिसका फ्लक्स डेंसिटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट उसको बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। यही चीज बोला गया, स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट यूजुअली मेड अप ऑफ एल्किनो इज यूज टू जनरेट ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड मतलब स्थिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्यों भाई, क्योंकि इसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यही पे समझिए, मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दोनों स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ये रोटेटिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेट, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड स्थिर रहता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्थिर रहता है तो इसको स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके देता है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। द मैग्नेट इज टिपिकली यू शेप, जो मैग्नेट है वो कैसा है, यू शेप का रहता है, ऐसा रहता है, अभी जस्ट दिखाए है ना, देखो जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो यही फिगर बना लेंगे एग्जाम में, लेकिन अगर मन करे ये फिगर बनाने का तो ये भी बनाएंगे। एक्चुअल में जो ये मैग्नेट रहता है ये यू शेप का है, देख सकते हैं आप लोग यू शेप का है ना तो जो मैग्नेट होता है वो यू शेप का होता है, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब राउंड शेप का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, क्योंकि डिफ्लेक्शन हम लोगों को चाहिए होता है लगभग 180 डिग्री का, इसलिए द मैग्नेटिक, देखो यहाँ पे द मैग्नेट इज टिपिकली यू शेप और सर्कुलर विथ पोल अरेंजमेंट टू क्रिएट ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए चारों तरफ से, राउंड शेप का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हर तरफ से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलता है। लीनियर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, जैसे ये लीनियर मैग्नेटिक फील्ड है, लीनियर नहीं रेडियल चाहिए,
चारों तरफ से चाहिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना समझना है कि स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट यूज होता है और वो परमानेंट मैग्नेट एल्किनो का होगा जो कि स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यू शेप का वो परमानेंट मैग्नेट होगा और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके देगा। चलिए आते हैं अब हम लोग मूविंग क्वाइल के बारे में बात करते हैं। देखिए जो मूविंग क्वाइल्स होता है वो कॉपर का बना होता है और उसमें भी इंसुलेटेड कॉपर वायर होने का मतलब ये है कि उस कॉपर वायर के ऊपर में कोटिंग किया हुआ रहेगा एनामेल का या कोई भी सॉफ्ट कॉटन वगैरह का, जैसे ये कॉपर वायर है, ठीक है। अब इसके ऊपर में एक लेयर चढ़ा दिया गया इंसुलेशन का, इसी को ऐसे लपेट के बनाया जाता है। क्या भाई? तो मूविंग क्वाइल्स। क्या बनाया जाता है? मूविंग क्वाइल्स, ठीक है। तो मूविंग क्वाइल के बारे में देखो, फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है ए रेक्टेंगुलर क्वाइल। रेक्टेंगुलर क्वाइल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप का है। देखो सर्कुलर शेप का नहीं रहता, ऐसा रहता है। जैसे हमारा जो कोर है जिसके ऊपर में इसको बनाया जाता है, कोर हमारा रहेगा सिलिंड्रिकल शेप का और इसके ऊपर में लिपटा हुआ रहता है कॉपर वायर, ठीक है। लेकिन कॉपर वायर जो लिपटा हुआ रहेगा वो ऐसा शेप का रहेगा, देखोगे बोर्ड पे रहोगे, देखो रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा, ऐसा शेप का रहता है। ये क्वाइल का शेप बता रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। एक होता है ऐसा सर्कुलर शेप का क्वाइल, ये सर्कुलर शेप का नहीं है, ऐसा नहीं होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा और इसी के ऊपर में लगा रहेगा। ये मतलब ये कोई सॉफ्ट आयरन कोर है, इसी के ऊपर में रहेगा लेकिन चरखुट शेप का, ऐसे देहाती भाषा में बोल सकते हो कि रहता है। ए रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ फाइन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज माउंटेड ऑन द लाइट एल्युमिनियम फ्रेम। बोला जा रहा है कि रेक्टेंगुलर क्वाइल फाइन इंसुलेटेड वायर का, कॉपर वायर का, फाइन मतलब पतला इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा, वो माउंटेड होगा लाइट एल्युमिनियम फ्रेम पे। इस कोर के ऊपर में एक फ्रेम लगा दिया जाता है और फ्रेम के ऊपर में ही आपका ये मूविंग क्वाइल रहता है। द क्वाइल इज फ्री टू रोटेट बिटवीन द पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। बोला जा रहा है कि ये जो क्वाइल्स होता है ना, ये फ्री टू मूव होता है, इसमें मूवमेंट होगा, आगे हम बताएंगे। डीसी मोटर बता चुके हैं कि उसी की तरह ये काम करता है। तो ये क्वाइल जो होता है रोटेट करता है बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट जो है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसी के बीच में ये क्वाइल रखा हुआ रहता है, ठीक है। इसी के बीच में मान लो ये क्वाइल रखा हुआ है, ठीक। और हम आप लोग को वर्किंग प्रिंसिपल के दौरान बताएंगे कि इस क्वाइल में करेंट पास करा दिया जाता है। जब ये करेंट पास होगा तो ये करेंट कैरिंग कंडक्टर हो जाएगा और ये करेंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ पे रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड में। और आप लोगों को पता है कि करेंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रहता है तो इस पर फोर्स लगता है जिसके कारण इस पर रोटेशन होता है। यही वर्किंग प्रिंसिपल में पढ़ाने वाले हैं। हो सके तो डीसी मोटर अगर पढ़े हो पहले से तो थोड़ा रिविजन कर लोगे तो इसका वर्किंग आपको बहुत आसान लगेगा। अगला पॉइंट क्या है? दिस क्वाइल इज सस्पेंडेड और पाइवर्टेड और ज्वेल बैरिंग, ठीक है। ये जो आपका मूविंग क्वाइल्स है ये कहाँ पे रखा हुआ रहता है, कहाँ पे फिक्स रहता है? तो ज्वेल बैरिंग के बीच में रहता है। दो ज्वेल बैरिंग के बीच में आपका स्पिंडल होगा, उसी स्पिंडल के ऊपर में इसका अरेंजमेंट रहता है। स्पिंडल पे ये फिक्स रहता है और स्पिंडल जो होता है दोनों साइड में ज्वेल बैरिंग लगा रहता है उस पर फिक्स रहता है। अब हम लोग बात करेंगे पॉइंटर और स्केल के बारे में। जब इसका हम प्रूफ कराएंगे डिफ्लेक्शन टॉर्क का इक्वेशन, तो वहाँ पे हम इक्वेशन से बताएंगे कि इसका जो स्केल होता है वो लीनियर स्केल होता है और लीनियर स्केल का क्या मतलब होता है वहीं पे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। देखो क्या बोला गया, ए पॉइंटर इज अटैच्ड टू द मूविंग क्वाइल, और ये पॉइंटर को नीडल भी बोला जाता है, वही जो डिफ्लेक्शन करता है, और एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। इस बात का याद रखना कि जो पॉइंटर होता है वो किस मटेरियल का होता है? एल्युमिनियम का रहता है, ठीक है। किसका रहता है? एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है लाइट रहता है। द पॉइंटर मूव्स अक्रॉस कैलिब्रेटेड स्केल, ठीक है, टू इंडिकेट द मेजर वैल्यू। जो पॉइंटर होता है स्केल के ऊपर में मूव करता है। स्केल क्या होता है चलिए प्रैक्टिकली समझिए। देखिए यही तो स्केल है, ये 0, 10 ये ऐसे लिखा हुआ ना, यही स्केल है, 20, 30, 40, 50 यही स्केल है। और ये जो है एक छोटा सा लाइन, ये लाइन नहीं है, यही पॉइंटर है। ये पॉइंटर क्या रहता है? शुरू में यहाँ पे रहेगा और करेंट के वैल्यू को मेजर करने के वक्त ये डिफ्लेक्ट करता है, क्लियर है। इसी स्केल और पॉइंटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है? द स्केल इज टिपिकली लीनियर, ये जो स्केल होता है लीनियर स्केल होता है। आगे हम आप लोग को बताने वाले हैं या तो लीनियर स्केल होगा या नॉन लीनियर स्केल होगा, बट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स में
लीनियर स्केल होता है। एज द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू करेंट पासिंग थ्रू द क्वाइल। आगे हम बताने वाले हैं कि पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करेंट पासिंग थ्रू क्वाइल। क्वाइल में जितना करेंट होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क हम इक्वेशन कराने वाले हैं, टॉर्क के कारण पॉइंटर मूव करता है, ठीक है, टॉर्क के कारण। तो टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट होता है, ये इक्वेशन से प्रूव कराएंगे। और ये करेंट वो है जो क्वाइल में मूव होता है, मूविंग क्वाइल में जो करेंट हम लोग पास कराते हैं, अभी जस्ट बताया है ना, ये मूविंग क्वाइल में जो करेंट का एम्पलीट्यूड होगा, ये कितना एम्पियर का करेंट है, इस करेंट के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि डिफ्लेक्शन टॉर्क कितना होगा। और डिफ्लेक्शन टॉर्क जितना ज्यादा होगा पॉइंटर उतना ज्यादा मूव करेगा, जितना ज्यादा करेंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन टॉर्क और उतना ही ज्यादा पॉइंटर का मूवमेंट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम कॉन्सेप्ट से काम चलाओ। कुंचम कुंचम मतलब तमिल शब्द है, रह रह के याद आ जाता है, बहुत दिन रहे हैं उधर। कुंचम कुंचम चीजों से काम चलाओ। चलो कंट्रोल स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल स्प्रिंग दोनों साइड में स्पिंडल पे लगा रहता है, ठीक है, और एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है जिसको कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं। और हेयर स्प्रिंग लगा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये काम करता है, ठीक है। हम आगे आप लोग को बताने वाले हैं कि कंट्रोलिंग स्प्रिंग जो होता है ना, इसी के कारण, ठीक है, जब इसमें कोई करेंट नहीं होता है तो देखो ये जीरो पे फिक्स है, जीरो पे फिक्स है। और जब ये कभी मेजर करता है तो एक पॉइंट पे जाकर रुकता है, और रुकता है एक पॉइंट पे जाकर स्थिर रहता है, तो ये भी इसके कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण ही होता है। जब कोई करेंट नहीं है तो ये जीरो पोजीशन पे, और फिर करेंट जब पास किया गया तो ये धीरे धीरे डिफ्लेक्ट होकर एक जगह पे जाकर रुक जाता है, और रुका भी स्थिर रहता है, बार बार ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन नहीं करता है। किसके कारण? कंट्रोलिंग टॉर्क। और वो कंट्रोलिंग टॉर्क कहाँ से उत्पन्न होगा? तो स्प्रिंग से। स्प्रिंग कहाँ रहता है? तो स्पिंडल पे, ठीक है। स्प्रिंग कहाँ है? स्पिंडल पे। देखो ये ऊपर में ये गोल गोल स्प्रिंग है ना, ठीक है, गोल गोल स्प्रिंग बोलो जलेबी की तरह, यही स्प्रिंग है, यही हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करता है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो टू हेयर स्प्रिंग आर अटैच एट ईच एंड ऑफ द क्वाइल। दोनों क्वाइल के साइड में ऊपर और नीचे दो हेयर स्प्रिंग लगा रहता है। हेयर स्प्रिंग इसलिए बोला जाता है, हेयर का मतलब होता है बाल, बाल की तरह पतला रहता है, मतलब उतना पतला तो नहीं हो सकता लेकिन बहुत पतला रहता है। दीज स्प्रिंग सर्व टू पर्पसेज, जो ये स्प्रिंग होता है दो पर्पसेज सर्व करता है, मतलब दो काम करता है, दो नहीं एक ही लिखो, ठीक है। दिस स्प्रिंग सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस, ठीक है, फॉलोइंग पर्पस लिख लो। प्रोवाइडिंग ए काउंटर फोर्स, ये काउंटर फोर्स प्रोवाइड करता है, वही डिफ्लेक्शन टॉर्क। देखो हम आप लोगों को बताने वाले हैं वर्किंग के दौरान कि इसमें तीन तीन टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एक तो डिफ्लेक्शन टॉर्क जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण आपका पॉइंटर घूमता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको क्या बोल सकते हैं अपोज करने के लिए एक और टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसको कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं, और ये कंट्रोलिंग टॉर्क इसी स्प्रिंग के कारण होता है। और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। हम क्या बोल रहे हैं कि तीन तीन टॉर्क आप लोगों को इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। एक होगा डिफ्लेक्शन टॉर्क, ठीक है, दूसरा आप लोग को मिलेगा कंट्रोलिंग टॉर्क, सबका इक्वेशन भी कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क, ठीक, डैम्पिंग टॉर्क। अब ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ना, इसी स्प्रिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। देखो प्रोवाइड एक काउंटर फोर्स मतलब अपोजिट फोर्स। जैसे होता क्या, ये स्केल है, ठीक है, ये मान लीजिए स्केल है और यहाँ पे एक पॉइंटर लगा हुआ है। जब इस पर डिफ्लेक्शन टॉर्क लगता है, सुनोगे ध्यान से, जब इस पर डिफ्लेक्शन टॉर्क लगेगा तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू, किसके कारण? डिफ्लेक्शन टॉर्क टीडी के कारण। और इसको काउंटर कौन करता है? इसको अपोज करता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है कंट्रोलिंग टॉर्क, इसीलिए इसको काउंटर फोर्स या काउंटर टॉर्क भी बोला जाता है, जो कि स्प्रिंग के द्वारा प्रोड्यूस होता है। द स्प्रिंग प्रोड्यूस ए रीस्टोरिंग टॉर्क दैट अपोजेस द मूवमेंट ऑफ क्वाइल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ क्वाइल को ये अपोज करता है, कौन? कंट्रोलिंग टॉर्क, इंश्योरिंग द पॉइंटर स्टॉप एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, और ये एश्योर करता है कि आपका जो पॉइंटर है एक खास पॉइंट पे जाके रुकेगा। आगे हम वर्किंग पढ़ाएंगे, ये सब पॉइंट आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, अपने से सारा चीज लिख सकते हो, इतना
अच्छे से बताने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से रहिए, ठीक है। पूरा का पूरा एनिमेटेड वीडियो से हर एक पॉइंट को समझाएंगे। द क्वाइल इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट। देखो कोर का अर्थ हो रहा है, कोर क्या होगा, तो हमने क्या बताया, मान लीजिए ये आपका स्पिंडल है, ठीक है, और इसी स्पिंडल के बीच में लगा रहता है अपना कोर। कोर सॉफ्ट आयरन का रहता है, जैसे ये कोर रहेगा सॉफ्ट आयरन का, ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन का कोर है, और इसी कोर के ऊपर में कॉपर वायर लिपटा हुआ रहता है, ठीक है, कॉपर वायर का क्वाइल लिपटा हुआ रहता है। यहाँ पे फिगर तो उतना दिखाया ना पॉसिबल नहीं है, ऐसे गया रहता है, ऐसे आके इसी पे क्वाइल लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। तो यही सॉफ्ट आयरन की बात की जा रही है, कोर, कोर जो होता है वो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ रहता है, और उसी कोर के ऊपर में आपका वाइंडिंग किया हुआ रहता है। द क्वाइल इज माउंटेड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। जो क्वाइल होता है मूविंग क्वाइल, वो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर में माउंटेड होता है, यानी कि बना हुआ रहता है, लिपटा हुआ रहता है। और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। आयरन कोर प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ एंड हेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इनसाइड द कोर। देखो जैसे ये मान लो नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया साउथ पोल, ठीक है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ये आपका रखा हुआ है। देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में पहले आप ये समझो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास होते रहता है, जानते हो आप लोग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पास होते रहता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर हवा से पास होगा तो हवा का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जो कि इसके फ्लक्स को अपोज करता है। लेकिन बीच में क्या किया जाता है, अब आप इस बात को ऐसे समझिए, बीच में यहाँ पे आयरन कोर जो रहता है, इस आयरन कोर को रख दिया गया, आयरन कोर छोटा सा एक आयरन कोर मान लीजिए ये सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में है ऐसे, तो जितना भी यहाँ पे फ्लक्स जो इधर उधर से पास हो रहा था वो सब अब इसी से पास होना शुरू करेगा, ठीक है, देखोगे इसी से पास होगा, इसी के बॉडी से पास होगा, इधर से ऐसे, ये इधर से ऐसे होके सब के सब इधर से ही, ठीक है, सारा का सारा इसी के बॉडी से पास होगा, क्योंकि जो आयरन कोर है ना लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, फ्लक्स का नेचर होता है उसी पाथ से फ्लो करने का जहां पे रिलक्टेंस कम होता है। फ्लक्स और करंट दोनों एक स्वभाव के होते हैं, करंट उस रास्ते से फ्लो करना चाहता है जिससे जिधर करंट रेसिस्टेंस कम होता है, तो करंट का स्वभाव होता है लो रेसिस्टेंस वाले पाथ से फ्लो होना, और उसी तरीके से फ्लक्स का नेचर होता है लो रिलक्टेंस वाले पाथ से फ्लो होना। तो कोर जो होता है ना रिलक्टेंस कम होने के कारण सारा फ्लक्स इसी से पास कर जाता है। देखो ये चीज लिखा हुआ, आयरन कोर प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस फ्लक्स पाथ। आयरन कोर जो होता है लो रिलक्टेंस फ्लक्स पाथ प्रोवाइड करता है एंड हेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इनसाइड द कोर। ये जो कोर है इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग सारा चीज पढ़ाऊंगा, और हो सकता है कि टाइम मिले तो मैं आप लोगों को इसका जो टॉर्क इक्वेशन होता है वो सब भी कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलता है, थैंक यू।